The next question reads, find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, at x equal to minus 1, at x equal to 2. Let us see how systematically we can solve this problem. First step, that is, you have to take this given polynomial as p at x is equal to 5x minus 4x square plus 3. Let us consider this polynomial and write it as p at x equal to 3. Don't write anything when I am teaching, because answer slide hai next. Aapko answer side mein sab kuch mil jayega. Pehle samajhne ki koshish kijiye. So what is the first step? In the first step, what we do is we write that, let us say that p at x is equal to 5x minus 4x square. Now you want the value of this polynomial at x equal to 0. So what you should do in the next step is put x equal to 0 in this given polynomial. इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 0 डाल दीजिए. तो अगर आप x की वैल्यू 0 डाल देते हो, तो जहां पर भी x है वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी. सो वेर एवर यू फाइंड x, यू पुट दिस x एज 0. हियर आल्सो यू पुट x एज 0. सो व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट, 5 इनटू 0 इज 0, 4 इनटू 0 इज 0 एंड प्लस 3. सो दैट मींस व्हाट, the given polynomial, the value of the given polynomial will be equal to 3 when x is equal to 0. यानी जब x की value 0 होगी, तो polynomial की value कितनी होगी, 3 होगी. अब next step में आपको क्या करना है, आपको दूसरा question पूछा है कि x की value minus 1 होगी तो क्या होगा, तो भी वही step use करना पड़ेगा आपको, put x equal to minus 1. अगर आप x की value minus 1 लिखते हो, तो p at हियर, जहां पर भी x हो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू माइनस वन आपको लिखना पड़ेगा. सो लेट अस पुट x इज इक्वल टू माइनस वन हियर आल्सो, x इज इक्वल टू माइनस वन हियर आल्सो, x इज इक्वल टू माइनस वन हियर आल्सो. सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज 5 इंटू माइनस वन है यहाँ पर, तो 5 इंटू माइनस वन होगा बच्चों प्लस ऑफ माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, एंड हियर माइनस 4 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन इंटू थ्री. सो दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड दिस इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस फोर प्लस थ्री, सो माइनस नाइन प्लस थ्री, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फोर इज माइनस नाइन, माइनस नाइन प्लस थ्री इज माइनस नाइन, एंड माइनस नाइन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फोर इज माइनस नाइन, प्लस थ्री इज माइनस सिक्स. Okay, now next third part of the same question is, what is the value of the same polynomial when x is equal to minus 2? जब x की value minus 2 होती है तो क्या होगा? वही method हमको use करना है, put x equal to 2. अभी लिखिए मत, answer slide में आपको बिल्कुल neatly और systematically हम आपको बताएंगे. तो 5 into x minus 4 into x square plus 3. So That means what? जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहां पर भी आप 2 लिखोगे, यहां पर भी आप 2 लिखोगे, तो ये होगा 5 into 2, 10 होगा, माइनस 2 स्क्वायर होगा 4 प्लस 3, तो ये होगा 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3. तो बच्चों देखिए, 10 माइनस 16 होता है माइनस 6, 10 माइनस 16 होता है माइनस 6, प्लस 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3. दैट मींस व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बिकम माइनस 3. नाउ लेट अस सी हाउ सिस्टमैटिकली वी कैन शो द सेम इन द आंसर स्लाइड. तो आप आंसर स्लाइड में आप यहां पर देख सकते हो, जो कुछ भी मैंने अभी तक समझाया वो सब कुछ आपके सामने यहां पर है. तो आपको मैंने बताया था, देखिए पिछले स्लाइड में हमने आपको क्या बताया था, तो ये जो कुछ भी हमने आपको बताया था, द सेम थिंग यू आर गोइंग टू सी हियर इन द गिवन स्लाइड. तो देखते हैं व्हाट इज देयर इन द गिवन स्लाइड. देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए 10 माइनस 16, 10 प्लस 3 इज 13. ओके, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. आंसर स्लाइड में हम सब कुछ डिटेल्स हम देखेंगे. तो आंसर स्लाइड यहाँ पर है आपके सामने. तो आप देखिए कि जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है, जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो हम यहाँ पर भी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज जीरो, और आप देखिए कि 0 माइनस 0 होगा 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी x की वैल्यू ये होगा 3. जब x की वैल्यू माइनस 1 होती है तो जहां पर भी x है हमने माइनस 1 डाला है,
तो यहाँ आप देखिए कि माइनस वन का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस नाइन प्लस थ्री कितना होगा बच्चों, माइनस सिक्स होगा। अगर x की वैल्यू टू होती है, तो अगर x की वैल्यू टू होती है तो क्या होगा, फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू होगा टेन, और टू स्क्वायर होता है, टू स्क्वायर होता है फोर, और ये प्लस थ्री, तो ये फोर इंटू फोर। यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों, इस मिस्टेक को हम करेक्शन यहाँ पर कर लेते हैं, चिंता मत कीजिए, वी विल करेक्ट इट। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था माइनस फोर इंटू माइनस फोर, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था माइनस सिक्सटीन। तो ये होगा, ये जो है ये थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन हम यहाँ कर लेते हैं, माइनस फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन। तो बच्चों टेन माइनस, तो दिस विल बिकम वॉट, टेन माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री। एंड बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि टेन माइनस सिक्सटीन होता है माइनस सिक्स प्लस थ्री, तो इसका आंसर होगा माइनस थ्री। तो जस्ट आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू राइट दिस स्टेप, ये स्टेप के बजाय आप इस स्टेप को आपके नोटबुक के अंदर आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं हम, फाइंड पी एट जीरो पी एट वन। देखिए पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, पी एट जीरो पी एट वन, पॉलिनोमियल एट जीरो पॉलिनोमियल एट वन एंड पॉलिनोमियल एट टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम हर प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर हर प्रॉब्लम में एक ही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। सो जो पहले हमने यूज किया था उसी को यहाँ यूज करना है। तो जैसे पी एट वन, यहाँ पर ऑलरेडी आपको पी एट वाई दिया है, तो आपको पी एट जीरो चाहिए, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, वॉट यू हैव टू डू हियर इज, वेर एवर यू फाइंड वाई यू हैव टू पुट जीरो, wherever you put y at 0, so what I'll have to do is y here I have to put 0, and wherever you find y you have to put the value of y as 0. So this is 1 plus 1, so wherever y is there, so 0 minus this one, so 0 square is 0 minus 0 plus 1, 0 minus 0 is 0 and 0 plus 1 is 1, so p at 0 is 1, p at 0 is 1. So again what, y is equal to 1 we have to put, y is equal to 1, how we are going to put here, put here y is equal to 1. When you put y is equal to 1, wherever you find y, you put y, the value of y as 1. So how we have to put here, you have to put here y as 1, and let us see what we are going to get. So 1 square children is 1 minus 1 plus 1, to yahan plus 1 or minus 1 cancel ho jayega, to bachega kya, 1 bachega. Next y at 2, तो नेक्स्ट हम क्या करना पड़ेगा, हमको we'll have to find y, the value of y at 2. तो जब y की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, सेम मेथड हमको यूज करना है हर प्रॉब्लम के अंदर, ऑफ कोर्स यहां पर हर प्रॉब्लम के अंदर वी हैव टू पुट द सेम, वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड। नाउ वेर एवर y इज देयर, यू सी y इन प्लेस ऑफ y आई हैव टू पुट 2 हियर, वेर एवर आई फाइंड y आई हैव टू पुट 2 हियर, हियर आल्सो आई हैव टू पुट 2. सो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1. So 4 minus 2 is 2, 4 minus 2 is 2 and plus 1. So that means what, the value of the polynomial when y is equal to 2 is 3. So this is how you have to solve. Now इसी को हम answer slide में आपको दे रहे हैं, next slide के अंदर देखिए, अभी हमारा answer slide आपके सामने यहाँ पर है। तो हम answer slide के अंदर the same thing whatever I have done so far, the same thing I am presenting you in the form of answer slide. So wherever y is there I am putting 0, so 0 square is 0 children and 0 is 0 here, so it is how much, 1. So again you can see here, yahan par bhi aap dekh sakte ho ki this one is, wherever y is there we have put here 1 square, and this is just let me change the color of the ink here, your lal ki wajah se aapko kya ho raha hai, थोड़ा दिक्कत आ रही है आपको, इसलिए हम लाल कलर थोड़ा हटा देते हैं और थोड़ा येलो कलर ही ले लेते हैं, ताकि येलो कलर से आपको थोड़ा ठीक से दिखाई दे, थोड़ा हटा देते हैं इसको और थोड़ा वेलकम टू द रेड कलर, आई यूज द येलो कलर, आई टेक इट सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सी दैट, बिकॉज रेड कलर के अंदर क्या हो रहा है, वो पूरा आपका ये हो रहा है, इट इज गेटिंग, you are not able to see it, okay, यहाँ पर again it is not going, okay, let us see just what is problem, okay, कोई बात नहीं, just I'll take the pen and with help of pen let us do it, no issue at all. यहाँ pen हमने लिया, तो आप देखिए जो problem मैंने solve किया वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 0 है, तो 0 में से 0 गया, कितना हो रहा है, सब आप देख सकते हो कि 0 minus 0 0 होता है 1, यानी p at 0 is 1,
यहाँ पर y की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1। यहाँ y की वैल्यू 2 अगर है तो 2 स्क्वायर 4 है, माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2 चिल्ड्रन, 2 प्लस 1 इज हाउ मच 3। तो दिस इज हाउ वेरी सिंपली यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है देखिए, p एट 0, p एट 1 एंड p एट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, p एट 2 यू हैव टू फाइंड आउट। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। तो यहाँ आप देखो कि वेर एवर यू फाइंड t, इन द प्लेस ऑफ t, इन द प्लेस ऑफ t व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट 0, 1 एंड 2। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ t एज 1 2 0 1 2। तो नाउ वेर एवर आई फाइंड t, जहां पर भी मुझे t दिखाई देगा वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 आई हैव टू पुट, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट t विद 0। t को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो वेर एवर t इज देयर आई विल पुट हियर बिकॉज आई वॉन्ट p एट 0, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 इफ यू पुट इट हियर, इफ यू ट्राई देन दिस इज 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 स्क्वायर इज 2, 0 सॉरी 0 स्क्वायर इज 0 इंटू 2 इज 0 अगेन, माइनस 0 क्यूब इज 0, सो 2 प्लस 0 माइनस 0, सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0 इज इक्वल टू व्हाट, 2। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0 इज इक्वल टू 2। नाउ इफ यू वॉन्ट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1, सो लेट अस पुट हियर, पुट t इज इक्वल टू 1, जहां पर भी आपको t दिखाई देगा वहां पर आप क्या कीजिए, 1 आप डालिए। सो p एट 1 इज इक्वल टू 2 प्लस t माइन प्लस 2 t स्क्वायर माइनस t क्यूब। सो वेर एवर यू फाइंड t, यू कीप पुटिंग हियर 1, हियर आल्सो यू पुट 1, हियर आल्सो यू पुट 1। So the value of this polynomial at 1, p at 1 is equal to 2 plus 1, 2 into 1 square is 2 minus 1, 2 into 1 square means 1, 1 into 2 is 2. So again here plus 1 minus 1 cancels here. So the value of this polynomial at t is equal to 1 is 2 plus 2 is how much? 4. That's all. So simple, you know, it is so simple. Now what about p when t is equal to 2? जब t की value 2 होगी तब क्या होगा सर इस polynomial का? I'll write the polynomial as it is, 2 plus 0 plus 2 plus यहाँ पर जो है जो भी उसकी t है, जहां पर भी आपको t है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ टू पुट, यहाँ 2 डाल दीजिए, यहाँ पर भी आप 2 डाल दीजिए, यहाँ पर भी आप पुट 2। So what is that you are going to get, put 2 here, 2 plus 2 and 2 into 2 square is 4 minus 2 into 2 cube is 8. So here if I try to simplify it, 2 plus 2 hota hai, 2 into 4 hoga bachcho 8, to yahan par 8 minus 8, to plus 8 minus 8 cancel, so this is equal to how much, 4. That means when you put t is equal to 2, you are going to get the value as 4. Let us see the what is there in the answer slide ke andar. To answer slide aapke samne hai bachcho yahan par, तो आंसर स्लाइड में आप यहाँ पर सारे आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी हमने अभी तक आपको बताया था वो आपके सामने यहाँ पर है। तो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए 2 प्लस टी प्लस 2 टी क्यूब प्लस ये टी क्यूब है, तो ये 2 हो गया, टी की जगह पे जहाँ पर भी टी है वहाँ पर हमने यहाँ पर 0 डाला है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर किया है और यहाँ 0 का क्यूब किया है, और 2 प्लस 0 माइनस 0 इज हाउ मच 2, 2 के अंदर आप 0 प्लस भी करो या माइनस भी करो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। t की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो p एट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 इज 4। नेक्स्ट t की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 इंटू 4 होगा यहाँ पर 8, और 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पर प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल होगा, तो द वैल्यू ऑफ p इज, p एट 2 इज हाउ मच, 4 है। तो दिस इज हाउ वेरी सिंपल वे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ p एट x इज 0, इफ द वैल्यू ऑफ p एट x इज 0, तो अगर p एट x 0 है तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एट 1, p एट 2 बताना है।
सेम मेथड इज देयर चिल्ड्रन, पी एट एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब। तो जब आपको x की वैल्यू जीरो चाहिए, अगर आपको x की वैल्यू जीरो चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट हियर x की वैल्यू जीरो डाल दीजिए। आप जीरो का क्यूब होता है जीरो, x की वैल्यू आप वन डाल दीजिए। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज वन, सपोज इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज वन, तो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज वन देन p एट वन इज इक्वल टू वन क्यूब, एंड वन क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच वन। Next is what? P at 2. So when we want to find the value of P at 2, then what you'll have to do is, here you have to put x is equal to 2. If you put x is equal to 2, then P at 2 is equal to 2 cube. And 2 cube is equal to how much? 8. So simple children, they are giving you the value of P at x, the value of polynomial at x, and you are asked to find out the value of this same polynomial at p at 0, p at 1, and p at 2. So the answer slide, you will get all the details. So you can see here, when x is equal to 3, when p at x is equal to x cube, then these are the answers that you are going to get. So the answers here you can see, when x is equal to 0, then the x 0 cube is 0. When x is equal to 1, then 1 cube is 1. When x is equal to 2, 2 cube is 8. So children, if I have to conclude, अगर यहाँ पर मुझे conclude करना है तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो भी x की value है उस polynomial के अंदर आप डाल दो और उसके बाद आप उसको solve करो, you will get the value of the polynomial at a particular value. So put the value of x and then you will get the value of the polynomial at a particular value. Now let us So next question, of course, sorry, मुझे लगा था कि यही लास्ट है, ये लास्ट नहीं है, और एक क्वेश्चन भी है, कोई बात नहीं, हम उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, p at x आपको दिया है, तो आपको पूछा है कि x की वैल्यू जीरो होगी तब इस पॉलिनोमियल का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। सो द सेम मेथड, व्हाट एवर आई डिड सो फार, द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर ऑल्सो। व्हाट इज दैट आई हैव डन हियर, व्हाट इज दैट आई हैव डन हियर, I have to put x is equal to 0. So at p at x here, I am writing here 0. Then here I'll write 1 and here it is 1 plus 1. So here you can see 1 minus 1 children, it is 0. And 1 plus 1 is how much? 2. So this is 2 into 0. And the value of this is what? That means what? The value of this polynomial at 0 is again a 0. Any x key value, when you put x is equal to 0, then or y equal to 0, if it is y it is okay, if it is x it is okay, no issue. Then x ki value sir agar 2 hogi, to kya hoga sir, x ki value agar 2 hogi, to again same polynomial ke andar, in the same polynomial, aapko kya karna padega, iski value same tarah se, usi tarah se aap daliye, yahan par minus 1 hai, aur yahan par plus 1 hai, to jahan par x hai, wahan par aapko kya karna padega, 2 dalna padega, so this is 2 minus 1, and this is 2 plus 1. So 2 minus 1 is what? 1. And 2 plus 1 is how much? 3. So 1 multiplied by 3 is how much? 3. Now, jab x ki value 2 hogi, to humne find out kiya. X ki value 1 hogi, to humne find out kiya. Achha, yahan par thoda ek mistake ho gaya, bachcho. X ki value 0 thi. To yahan par maine 1 dal diya hai. Okay. Isko fir se ek baar dekh lijiye. The same problem I will solve once again here. Actually, यहाँ पर हम what we'll do is p at x is equal to थोड़ा सा again I'll just correct it here, थोड़ा correction मैं यहाँ करना चाहूँगा, x minus 1 into x plus 1. तो here आप क्या करो, x की value पहले 0 वाला ले लेंगे, okay? पहले 0 वाला लेंगे, तो 0 minus 1 into 1 plus 1 हम कर लेंगे. तो 0 minus 1 होता है बच्चों minus 1, और 1 plus 1 होता है 2. So plus minus into plus is minus 2 into 1 is minus 2. तो ये हो गया the value of polynomial at x equal to 0. तो ये जो ऊपर मैंने किया था, उसको क्या करना पड़ेगा? We'll have to erase it. यहाँ पर we can do it somewhere here. हम यहाँ पर करेंगे उसको. The value of polynomial p at 1 हम करेंगे. p at 1 आपको करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे आप? x minus 1 यानी 1 minus 1 into 1 plus 1 यानी 2, यानी 1 minus 1 is 0, into 2 is how much? 0. कुछ बच्चे ऐसे भी इस प्रॉब्लम को करते हैं, इसको बहुत सिंपल मेथड से भी, और एक मेथड से आप कर सकते हो. What is that simple method? I'll tell you here. तो ये देखिए, सिंपल मेथड में आपको ये बता रहा था,
कि वैल्यू ऑफ पी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. सो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू. फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर और फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है और सेकेंड टर्म यहाँ पर 1 है. तो x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब यहाँ पर आप अगर आप डायरेक्टली ओरली भी आप कर सकते हो x की वैल्यू आप 0 डाल दीजिए तो भी आपको आंसर मिलेगा. आप 0 डालते हो तो भी आपको आंसर मिलेगा और अगर 1 डालते हो तो भी आपको वही आंसर मिलने वाला है. सर एग्जाम में इस मेथड से करने से चलेगा क्या? सर बिल्कुल चलेगा, इट विल डू. So if I do by second method, if I put 0 here, 0 square is 0 minus 1, that is equal to what? Minus 1. Suppose if I put here, suppose यहाँ पर मैं कर दूँगा, suppose if I put here as 1, x as 1, then 1 square minus 1, 1 square minus 1 is 1 minus 1, and that is equal to how much? 0. अगर मैं यहाँ पर just इसको rub कर देते हैं बच्चों थोड़ा सा, ये जो हमें दिक्कत दे रहा है इसको हम rub कर लेते हैं थोड़ा. ये हमें नहीं चाहिए इसको, इसको हम मिटा दे रहे हैं. एवरीथिंग विल रिरेज इट सो दैट हमको जगह थोड़ी मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए. तो सी है, अब हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं. विल डू इट हियर, नो इशू. तो यहाँ इंक हमने ले लिया और आपको यहाँ पर हम सोल्यूशन दे रहे हैं. तो आप देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 2 डाल देते हैं इसी के अंदर तो क्या होगा? when x is equal to 2, at x is equal to 2 अगर होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 square minus 1, 2 square minus 1 यानी 4 minus 1, that is equal to how much? 3 होगा. That's all. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आंसर स्लाइड यहाँ पर ओके चिल्ड्रन, आंसर स्लाइड यहाँ गलती से रह गया, कोई बात नहीं. आपको सिस्टमेटिकली यहाँ पर हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है तो कोई चिंता नहीं है. एक अगर आपको चाहिए तो हम इसको शॉर्ट में यहाँ पर आंसर स्लाइड में आपके लिए हम दे देते हैं. अगर आंसर स्लाइड नहीं है तो इसका मतलब आंसर नहीं है, ऐसा नहीं होता है. हम दूसरा मेथड से आपको यहाँ पर दे देते हैं. पी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है बच्चों. तो यहाँ पर व्हाट विल डू इज आई पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो आपसे अपेक्षित आंसर ये है, यू पुट हियर एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो स्क्वायर माइनस वन and 0 square minus 1 is 0 minus 1, so the value of p at 0 is minus 1. Okay, clear हो गया? Minus 1 नहीं, थोड़ा यहाँ minus 1 आना चाहिए. फिर अगली बार आप क्या कीजिएगा, you put x as 1. So जब आप x as 1 आप put करते हो तो x की value 1 आप डाल दो तो 1 square minus 1 आप कीजिए. 1 square होता है 1 minus 1, तो the value of the polynomial at p is equal to 1 is 0. नेक्स्ट आंसर स्लाइड के अंदर तीसरा जो है, पुट एक्स इज इक्वल टू 2. अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 डाल देता हूं तो सेम प्रॉब्लम क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 होगा. तो 2 स्क्वायर माइनस 1 होता है 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा. सो द वैल्यू ऑफ द सेम पॉलिनोमियल व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 इज 3. सो आप चाहिए तो 100 भी कर सकते हो, यहाँ पर जितना भी आपको चाहिए आप कर सकते हो. फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सेकंड मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ. और यहाँ आप अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों. ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ्स मेड इजी विथ वैभव कुलकर्णी. आप यूट्यूब पे जाइएगा, ये टाइप कर दीजिए आप मैथ्स मेड इजी विथ वैभव कुलकर्णी, बाद में आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आपको जो भी है रोज जो है अपडेटेड वीडियोस आपको विदाउट फेल मिलता रहेगा. आप इसको क्लिक करके सब, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी आप कर दीजिए. और आपका कमेंट्स अगर आप लिखते हो, कुछ डाउट्स हो तो आप वहाँ पर कमेंट्स भी आप प्रेस कर सकते हो, सो दैट आई कैन हेल्प मी टू हेल्प यू. आप ज़्यादा सीखना चाहते हो मुझसे तो आपको कमेंट्स में कमेंट्स करोगे कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको क्या है. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एवरी चिल्ड्रन विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ मी.